सोशल मीडिया से बीते दिन लवप्रीत चाचे दे वल्लों खुलासा किया गया सी। उन्होंने वल्लों कहा गया कि जेड़े लोग भी लवप्रीत नूं कह रहे सन कि वह चिट्टा पीण के कारण उसकी मौत हुई है, उन्होंने खिलाफ हुण कार्रवाई की जाएगी। मानहानि का केस करन की गल की जा रही है। इस दौरान लवप्रीत दे चाचा जी दे वल्लों यह भी कहा गया कि बेअंत कौर दे चाचा जी ते भी सारी कार्रवाई की जाएगी। इसके समेत ही बेअंत कौर दे पिता जी ते भी सारी कार्रवाई होनी है। आखिरकार कौन है यह बेअंत कौर दे चाचा जी? हैरी बाजवा का नाम सामने आ रहा है। कौन है हैरी बाजवा अते क्यों आखिरकार हुण जदों इन्ना समा लंघ चुकया है इस केस दे विच नाम लिया जा रहा है? हालांकि लवप्रीत के परिवारिक मैंबरों के वालों पहला ही साफ कर दिया गया सी कि अजिही कोई गलबात नहीं है, साडा पुत किसी भी तरीके का नशा नहीं लैंदा, नशे के कारण उसकी मौत भी नहीं हुई है। नशे की ओवरडोज के कारण या फिर नशे करके लाडी की मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तो बाद यह गल पूरी तरह के नाल साफ हो चुकी है, पर इसके बावजूद भी कुछ अजिहे व्यक्ति ने कुछ अजिहे हमायती कह सकते हैं जिन्हों का मनना यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हले आई ही नहीं। तो हैरी बाजवा कौन है ते बेअंत कौर दे नाल की रिश्ता है? क्यों आखिरकार दो महीने का समा लंघन तो बाद यह नाम सामने आया? क्यों भड़के हुए ने लवप्रीत दे परिवारिक मैंबर अते उसके चाचा जी इस नाम पर? हैरी बाजवा कौन है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो इस गल दे विच मुड़ तो दावा किया गया परिवारिक मैंबरां दे वल्लों कि साडा पुत नशे नहीं करता सी, सानू पहलां तो ही यकीन सी, पर इसके बावजूद भी कुछ व्यक्तियों के वलों हुण यह गल सामने लियांदी जा रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ही नहीं। इस गल नूं लैके कई तरह के सवाल चुके जा रहे हैं, पर अज एक बार फिर तो लवप्रीत के चाचा जी के वलों मोड़वा जवाब दिता गया तो कहा गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, इसे करके ही एक नवा परचा दर्ज किया गया, नवी धारा जोड़ी गई है बेअंत कौर के मामले के। उन्होंने पिछलियां गल्लां का हवाला देंदे हुए दस्या कि उन्होंने 420 की धारा लगवाउण दे विच किन्नी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पई सी, ते उस तो बाद हुण 306 का परचा जो होया तो वह यकीनन किसी ना किसी गल करके ही होया। ऑस्ट्रेलिया रहिंदे चाचा ते कई तरह के इल्ज़ाम लग रहे ने। लवप्रीत लाडी दे चाचा जी दे वल्लों कहा गया समेत इस गल का भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वह बेअंत कौर की जमीन नू हड़प करन की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बेअंत कौर के परिवारिक मैंबरों के कोल एक किला जमीन है, कहा गया कि उस एक किले की जमीन पर नज़र है हैरी बाजवा ते उसके पिता की, जिस करके अजिहियां गल्लां सामने लियांदियां जा रही ने कि नशे के नाल लवप्रीत लाडी की मौत हुई से, उस तो बाद कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ही नहीं। पर जो केस साफ किया गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही नवी धारा जोड़ी गई है। इस केस के लवप्रीत लाडी के चाचा जी को बाहर कढ़ने की गल हो रही थी, गल आखिरकार कौन कर रहा है, कौन अजिहियां गल्लां फैला रहा है? क्योंकि जेकर देखा जाए तो लवप्रीत लाडी के चाचा जी ही सन जिन्हों के करके ये केस इत्थे तक पहुँचा, क्योंकि परिवारिक मैंबरों का कहना है कि जेकर चाचा जी सामने आके खड़े ना होंगे तो शायद इस हद तक यह केस इत्थे नहीं पहुँचना सी। तो हुण इहदे विच एक सरकार दे वल्लों भी दबाव वाला एंगल देखण नूं मिलिया। मौजूदा पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है, तो हुण लवप्रीत लाडी के चाचा जी के वल्लों कहा जा रहा है कि कांग्रसियां दे नाल संबंध ने लवप्रीतियां दे दबाव हेठ आ के ही लवप्रीत दे परिवारिक मैंबरां नूं तंग परेशान किया गया सी, इसे करके कोई परचा दर्ज नहीं किया जा रहा सी, और यही कारण सी कि उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पई है। लवप्रीत लाडी दे चाचा जी का कहना है कि अपने अहुदिआं दी दुरवरतों की गई है, तंग परेशान करन दे लई इन्हां अहुदिआं दी वरतों की गई है। हैरी बाजवा अते पिता समेत एक एकड़ जमीन है जिहड़ी बेअंत कौर दे परिवारिक मैंबरां दे कोल, ओह हथियाण दे इल्ज़ाम लगे ने। इस समय दी सरकार कांग्रेस दी सरकार है, लीडरां तक पहुँच रखदा है परिवार। ये सारे इल्ज़ाम लवप्रीत लाडी दे चाचा जी दे वल्लों हैरी बाजवा जो कि बेअंत कौर के चाचा जी दसे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया रहिंदे चाचा जी ते सारे इल्जाम लग रहे हैं। इस तो बाद एक होर जिहड़ा नवा मुद्दा सामने आया सी कि आखिरकार रबदीप नूं इस केस दे विच शामिल किया जाएगा जां फिर नहीं। तो साफ तौर पर लवप्रीत लाडी दे परिवारिक मैंबरों का यही कहना है कि जेकर किसी वीर भैन कोल किसी भी तरह का कोई सबूत है तो वह परिवारिक मैंबरों नूं भेज सकते हैं। रबदीप का सारा कुछ सामने जरूर आएगा। हालांकि लाडी दे चाचा जी दे वल्लों यह कहा गया कि साढ़े कोल कुछ जानकारी जरूर आई है, साढ़े हाथ
देने पर उन्होंने इस गल का खुलासा करने तो फिलहाल इनकार कर दिया। उन्होंने उम्मीद है आने वाले समय के होर भी कई वड्डियां गल्लां सामने आ सकदियां ने, पर इस गल नूं लैके साफ तौर पर दोचित नहीं सन कि रबदीप का नाम इस मामले के आएगा या फिर नहीं। तो बरनाला का यह सारा मामला धनौला कस्बे के लवप्रीत लाडी की खुदकुशी के मामले के बरनाला पुलिस ने उसकी पत्नी बेअंत कौर से मरण के लिए मजबूर करने की धारा बीते दिन 306 दर्ज कर दी सी। धारा के वादा किया गया सी पहला धोखाधड़ी की धारा यानी कि 420 का केस दर्ज होया होया सी ते हुण इस वादा करते हुए 306 का केस भी पा दिता गया सी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस तो बाद ही कहा जा रहा है कि बरनाला पुलिस ने धारा 306 का परचा दर्ज किया। लवप्रीत के परिवारिक मैंबरों की मांग है कि बेअंत कौर सने उसके मापियां ते भी यह केस दर्ज किया जाए। बरनाला पुलिस के DSP विश्वजीत सिंह ने इस मौके पर दसिया कि लवप्रीत की पत्नी बेअंत कौर से पहला धोखाधड़ी की धारा 420 का केस दर्ज किया गया। लवप्रीत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी सी जिसके आधार पर रिपोर्ट आ गई है। तो हूँ इस दे विच वादा किया गया मरण के लिए मजबूर किया गया बेअंत कौर के वलों अपने पति ने, इस करके ये धारा जोड़ी गई है। बरनाला पुलिस के वलों एक SIT टीम बनाई गई है ते टीम अपनी कार्रवाई कर रही है ते अगली कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। लाडी के चाचा हरविंदर सिंह ने यह इतराज़ जाहिर किया। उन्होंने कहना है कि बेअंत कौर के मापे भी इस मामले के बराबर के दोषी ने। उन्होंने कहा कि साडा पुत चला गया जो कि वापस नहीं आएगा, पर उन्होंने उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा, पर हालांकि ये काफ़ी लंबा समा लगन वाला है, समा लग सकता है क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़नी कोई सौखी गल नहीं होंगी। हरविंदर सिंह का यह भी कहना है कि जो असी न्याय के लिए धरना दिता सी तो बरनाला पुलिस ने सानू भरोसा दिता सी कि बेअंत कौर और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। हुण पोस्टमार्टम की विसरा रिपोर्ट आएगी। अज बेअंत कौर से केस दर्ज होने तो बाद लाडी के परिवार की मांग है कि बेअंत कौर के मापियां ते भी केस दर्ज किया जाए। काफ़ी लंबे समय तो इंसाफ की उम्मीद कर रहा सी परिवार, हाले भी उन्होंने कहा कि साड़ी जित नहीं हुई, पर हाँ असी एक स्टेप अगे जरूर वधे हाँ। परिवारिक मैंबरों के वालों यही कहा जा रहा है कि इंसाफ सानू जरूर मिलेगा। एक बार फिर तो उम्मीद जागी है। घर के रेंदे लवप्रीत लाडी की मावं और भैनों का भी इस समय यही कहना है कि सानू संतुष्टि जरूर होगी कि साढ़े पुत दे नाल इंसाफ होया।